फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और जब भी हम लोग कहीं सलोन जाते हैं हेयर स्पा के लिए, तो वहाँ की प्राइजेस जो रहती है वो इतनी ज़्यादा हाई रहती है कि हम लोग वो प्राइजेस सुनकर ही बहुत लोग फिर से रिटर्न हो जाते हैं। अगर किसी के पास उतना अमाउंट है तो उनके पास उतना टाइम नहीं है कि हर मंथ जाकर वो अपने हेयर्स को स्पा करवा सके सलोन में। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ DIY हेयर स्पा क्रीम, जिसको हम लोग घर पर बना सकते हैं और बहुत इजीली अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। और बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा कि आपको सलोन में मिलता है। बस यही है कि आप अगर ये मास्क यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना होगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं तो आप इसको वीकली वंस भी कर सकते हैं, अदरवाइज अपने बालों के टेक्स्चर के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करके जल्दी से देखते हैं कि हमको किन किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत होगी और कैसे हम लोग ये हेयर स्पा बनाएंगे और अपने बालों में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हमको क्या करना है, हमको अपने बालों को बहुत अच्छे से ऑयलिंग करना है। मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल लिया था और उसको मैंने हल्का सा गर्म करने के बाद अपने बालों में कम से कम 5 मिनट तक बहुत अच्छे से मसाज किया है। उसके बाद मैंने थर्मल कैप से उसको 5 से 7 मिनट के लिए हीट किया है। हीट करने से क्या होता है, आपके रूट्स जो हैं वो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे कि हेयर ग्रोथ आपकी अच्छी होती है। सो मैंने ऑयलिंग वाला प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ जो मास्क हमको यहाँ पर बनाना है हेयर मास्क, उसके लिए आपको क्या चाहिए। तो उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले कर्ड। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम कर्ड लिया है क्योंकि अगर आपके बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा ही ख़राब है तो अगर आप फुल क्रीम कर्ड लेते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच फुल क्रीम कर्ड लिया है अकॉर्डिंग टू माय हेयर लेंथ। आपके हेयर की लेंथ जितनी है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। सेकेंड, मैंने यहाँ पर लेना है 1 विटामिन E कैप्सूल, क्योंकि जैसा कि मेरे हेयर्स की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग इतना कर्ड सफिशेंट है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 विटामिन E कैप्सूल इसके अंदर ऐड करना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन देता है। तो यहाँ पर हमने ऐड करना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया है। लास्ट थिंग हमको जो लेना है वो है यहाँ पर एक कंडीशनर। मैंने यहाँ पर डव का एक कंडीशनर लिया है। मेरे बालों की लेंथ बहुत कम है क्योंकि मैंने अभी अभी हेयर कट लिया है, तो मुझे एक कंडीशनर सफिशिएंट होगा। अगर आपके बालों की लेंथ मीडियम या फिर उससे ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग कंडीशनर ले सकते हैं। आपके पास कोई और कंडीशनर है तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं, बट डव कंडीशनर का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर मैंने उसी को लिया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है 1 डव कंडीशनर। अगर आपके पास कंडीशनर की जगह पे कोई हेयर स्पा क्रीम है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हेयर स्पा क्रीम में ऑलरेडी सारी बहुत सारी चीज़ें ऐड रहेगी तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ही देगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। जब आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर आपको एक क्रीमी टेक्सचर वाला एक हेयर स्पा क्रीम बनके रेडी हो जाएगा। मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं किया है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी ऑयलिंग किया हुआ है। अगर आप ऑयलिंग अलग से नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर आपने जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, प्रेफरेबल यही है कि कैस्टर ऑयल आप यूज़ करें या फिर आप यहाँ पर फिगारो का ऑलिव ऑयल यूज़ करें, वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर इन सब चीज़ों के साथ काम करता है। तो ये देखिए, एक क्रीमी टेक्सचर वाला हमारा हेयर मास्क बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको एक बार यूज़ करके देखें, जब आप इसको यूज़ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा काम ये करता है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है अपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड। देखिए, इस तरीके से अपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब हमको थोड़े थोड़े बाल लेना है और उस पर ये वाली क्रीम को बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, कुछ ऐसे।
यहाँ पर मेरा हेयर मास्क बहुत अच्छे से अप्लाई हो चुका है। अब मैंने लेना है एक कपड़ा जो ज़्यादा मोटा ना हो, उसको मैंने अपने बालों पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। सिर्फ इसकी एक ही लेयर मैं यहाँ रखूँगी। उसके बाद मैंने जो मेरा थर्मल कैप है उसको मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्ट कर दिया था, लाइक 5 मिनट्स बिफोर 5 मिनट्स मैंने उसको स्टार्ट कर दिया था ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से गर्म हो जाए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि अगर आपके पास थर्मल कैप है तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको प्लग पॉइंट में लगा दिया है, यहाँ पर इसकी लाइट ऑन है, आई थिंक आपको दिख रही होगी। और ये 5 मिनट्स से मैंने ऑन कर दिया था तो ये बहुत अच्छे से हीट हो चुका है। अब मैंने इसको करना है अपने बालों पर प्लीज। अब मैं इसको छोड़ दूंगी। बस यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं मुझे थर्मल कैप अप्लाई किए हुए। अब मैं अपने बालों में इस मास्क को 1 घंटा रहने दूंगी, उसके बाद मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे आफ्टर हेड बाथ मैंने अपने बालों को कम्प्लीटली ड्राई कर लिया है, और आप देख रहे होंगे इसमें जो शाइन है वो कितनी अच्छी शाइन आपको यहाँ पर दिख रही है। तो अगर आपको भी अपने बालों की केयर करना है घर पर ही, तो आप ये वाला हेयर स्पा रेमेडी ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट रिज़ल्ट आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, इट्स ऑसम रिज़ल्ट, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका सिर्फ एक ही वॉश से आया है, जबकि मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और बहुत ज़्यादा रफ हैं। बट सी द हेयर्स आर लुकिंग ऑसम। सो मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।